हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने ऑलरेडी कंप्लीट जो है वीडियो फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे अपलोड किया है। इसमें हम बात करेंगे थ्योरीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके थ्योरीज़ के। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी पहली है आपकी इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी पहले किसने दिया है वो जानते हैं कि जे एफ पैंपंच एंड जे आर हैरिस ने दी थी। और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जो होते हैं सबसे एक प्राइम मोटिवेटर होते हैं। इससे ये बताया कि सबसे पुरानी ओल्डेस्ट इकोनॉमिक थ्योरी है और रिकार्ड कैंडेलॉन ने दी, जो कि फ्रेंच इकोनॉमिक्स थे। तो इसमें हमने तीन बातें जानी कि इकोनॉमिक थ्योरी, सबसे पहली बात कि ये सबसे पुरानी इकोनॉमिक थ्योरी है, दूसरी बात ये रिकार्ड कैंडेलॉन ने दी जो कि कौन थे, फ्रेंच इकोनॉमिक्स थे। और क्या कहा गया कि जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स होते हैं वो प्राइम मोटिवेटर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या होता है, एजेंट होता है चेंज का। एंटरप्रेन्योर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ तभी टेक प्लेस करती है जब फेवरेबल होती है। जैसे इसमें इंक्लूड्स हो जाते हैं इकोनॉमिक थ्योरी में, जैसे टैक्सेशन पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल एंड ईटीसी। मीन्स अच्छे बिजनेस यूनिट को इस्टेब्लिश करने के लिए ये क्या होती है आपकी, जैसे एग्जाम्पल हो गए, तो दिस इज़ योर इकोनॉमिक थ्योरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियोलॉजिकल थ्योरी नाम से पता चल रहा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ सोशल चेंजेस, जो सामाजिक जो चेंजेस जो लाते हैं, सोशली जो चेंजेस लाते हैं, इसको हम सोशल चेंजेस भी कहते हैं। मतलब जो हमारी सोसाइटी है एंड जिस कल्चर में मेरा एंटरप्रेन्योर रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी का। सोसाइटी में क्या रिलीजन है, क्या कल्चर्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या कस्टम है, मतलब सोशियोलॉजिकल थ्योरी बेसिकली ये इसके रिलीजन मीन्स उसकी सोशल सोसाइटी की वैल्यू से, उसकी रिलीजियस बिलीफ से, कस्टम्स क्या हैं, ठीक है, रिलीजन क्या है, कल्चर से, इन सारी चीज़ों से ये डील करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी की बात करें, इनोवेशन थ्योरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि ये जो है जोसेफ स्कम्प्टर ने दी थी ये थ्योरी, काफ़ी पूछा जाता है। और कहा गया कि एज पर दिस एंटरप्रेन्योर एक क्या होता है, इनोवेशन होता, मतलब नई आइडिया, नया कॉन्सेप्ट लाता है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेशन का मतलब कोई न्यू गुड्स का क्या करना, इंट्रोडक्शन करना, कोई नए मार्केट को ओपन करना, ओपनिंग अ न्यू मार्केट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का नए मेथड से उसका इंट्रोडक्शन करना। तो इनोवेशन थ्योरी नाम से ही पता चल रहा है, नई चीज़ों का क्या करना, इंट्रोड्यूस करना, नए कॉन्सेप्ट्स को लाना। तो ये दिया गया जोसेफ स्कम्प्टर के द्वारा। इनके द्वारा बताया गया कि एंटरप्रेन्योर एक इनोवेशन होता है। इनोवेशन का मतलब ये होता है कोई नई चीज़ों को, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स, ओपनिंग अ न्यू मार्केट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, सो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट थ्योरी की हम बात करें, थ्योरी ऑफ कल्चर वैल्यूज। थ्योरी ऑफ कल्चर वैल्यूज जो कि दिया गया है कि थॉमस क्रॉकर ने दी थी। और इस थ्योरी में ये बताया गया कि एंटरप्रेन्योर इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ कल्चर वैल्यूज, ठीक है, कल्चर वैल्यूज से जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, जो चेंजेस आते हैं वो क्या होता है, दिस इज द थ्योरी ऑफ कल्चर वैल्यूज, इसमें ये बताया गया। नेक्स्ट थ्योरी की बात करें, साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या है, दिस थ्योरी, ये थ्योरी बताई गई कि एंटरप्रेन्योरशिप इमर्जेस बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल्स हैविंग सर्टेन साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब साइकोलॉजिकल जो होता है कि मतलब उसके में कितना साइकोलॉजी, दिमाग से जो रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज की हाई नीड फॉर अचीवमेंट, कैपेसिटी विद द स्टैंड सोशल और पोजिशन। मतलब साइकोलॉजिकल थ्योरी में ये बताता है कि एक उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चीज़ें सोच रहा है, तो ये थ्योरी बताता है कैसे उस चीज़ को अचीव करेगा, कैसे स्टैंड होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी जाती हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी में। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट क्या थी, पांच थ्योरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आई होप ये पांचों थ्योरी आपको समझ में आई होगी।